हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपशिखा टेक्निकल क्लासेस। इस सेशन में मैं डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर की आरबीटी की क्लासेस कंडक्ट करूंगी। आरबीटी मींस रेलवे ब्रिज एंड टनल। तो लेट्स बिगिन द क्लास। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हमें पूछा है सिलेबस में वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का इतिहास या इंडियन रेलवे का परिचय, तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि रेलवे का परिचय सबसे पहले किसने दिया था। तो वर्ल्ड की अगर बात करें, पूरी विश्व की, दुनिया की अगर बात करें, तो विश्व में सबसे पहले जॉर्ज स्टीफेंसन ने 1825 में विश्व में पहली बार ट्रेन चलाया था जो 61 किलोमीटर तक चली थी, स्टॉकटन से डार्लिंगटन। ये दोनों क्या है, इंग्लैंड की सिटीज है। तो विश्व में सबसे पहला ट्रेन कहाँ चला था, इंग्लैंड में चला था, स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चला था। और इसकी जो दूरी थी इसकी जो रेलवे ट्रैक की दूरी थी वो 61 किलोमीटर थी, 61 किलोमीटर। और ये 1825 में जॉर्ज स्टीफेंस ने ही चलाया था। और ये जो ट्रेन चली थी वो किसकी थी, स्टीम इंजन की बनी थी। स्टीम इंजन का इसका लोकोमोटिव था जिससे जॉर्ज स्टीफेंस ने ही रीन्यू किया था। इसलिए इसे क्या बोला था, मॉडर्न स्टीम इंजन। और इसके इन्वेंटर कौन थे, जॉर्ज स्टीफेंसन। और जॉर्ज स्टीफेंसन ने इस इंजन को इन्वेंट किया था 1814 में। 1814 में स्टीम इंजन को रीइन्वेंट करके उसे मॉडर्न स्टीम इंजन का नाम देकर जॉर्ज स्टीफेंसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1825 में पहली रेलवे ट्रेन चलाई स्टीम इंजन की, स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। और ये स्टॉकटन और डार्लिंगटन क्या है, इंग्लैंड की सिटीज हैं। और ये क्या थी, हमारी ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेन थी। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेन थी, मतलब यात्रियों के आने जाने के लिए थी, यातायात के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। ओके, अब ये तो बात हम विश्व की कर लिए, अब हम बात करते हैं इंडिया में सबसे पहले ट्रेन किसने चलाई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली, मुंबई से थाने के लिए चली। और इसकी रेलवे ट्रैक की दूरी कितनी थी, 33.8 किलोमीटर तक ये चली। ये भी किससे चला था, स्टीम इंजन से ही चला था, ये भी स्टीम इंजन से ही चला था। और ये चला था 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को चला था, 16 अप्रैल 1853 को चला था मुंबई से थाने के बीच में, जिसके ट्रैक की दूरी थी 33.8 किलोमीटर, मतलब लगभग 34 किलोमीटर तक ये चला था। और ये भी स्टीम इंजन के ही थ्रू चला था, यानी इसका लोकोमोटिव जो था वो था स्टीम इंजन। ठीक, दूसरी ट्रेन जो चली थी वो हावड़ा से
हुगली के बीच में चली थी 1854 में। याद करने की चीज ये है, मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। रेलवे ट्रैक की लंबाई 33.8 किलोमीटर थी। 16 अप्रैल 1853 को चला था 1853 में। और इसका भी लोकोमोटिव क्या था, यानी इसका भी जो इंजन था वो क्या था, स्टीम इंजन था। ओके, एक और चीज, जो इंडियन रेलवे है ये एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। और वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। एशिया में नंबर वन पे है और वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे है। ओके, तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन रेलवे यही समाप्त होता है। लार्जेस्ट क्यों है ये तो बताना जरूरी है। इंडिया में डेली बेसिस पे 11,000 ट्रेन्स चलती हैं एवरी डे। डेली बेसिस पे 11,000 ट्रेन्स चलती हैं, जिसमें से 7,000 हमारी क्या है, पैसेंजर ट्रेन्स हैं। 7,000 हमारी क्या है, पैसेंजर ट्रेन्स हैं। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एशिया का लार्जेस्ट, एशिया में नंबर वन पे है और वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के दो ऑर्गेनाइजेशन है, पहला रेलवे बोर्ड, दूसरा आरडीएसओ। आरडीएसओ क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, रेलवे बोर्ड के बारे में जानते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। इसका मोटिव था कि रेल जो हमारी रेलवे सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए और उसका सही ढंग से ऑपरेशन करने के लिए, कि सारी ट्रेनें अपने टाइम से ही हर जगह पहुंचे, मतलब सही ढंग से ऑपरेट हो, उसके लिए रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। आरडीएसओ क्या है, इसमें क्या होता है, एक जनरल मैनेजर होता है और उसकी एक टीम होती है। जनरल मैनेजर होता है और उसकी एक टीम होती है, और उसकी में रेलवे के ही कई सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के, रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये टीम क्या करती है, ये टीम रेलवे बोर्ड को टेक्निकल एडवाइस देती है और कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है और टेक्निकल एडवाइस देती है। जब भी रेलवे बोर्ड को किसी भी काम में आरडीएसओ की एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो वो यहीं से एडवाइस और कंसल्टेशन लेती है।
जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को 16 जोन्स में बांटा गया है। इंडियन रेलवे को 16 जोन्स में बांटा गया है, जिसमें से जो 9 जोन्स है वो हमारे पुराने जोन्स हैं और बाकी के जो 7 जोन्स हैं वो नए जोन्स हैं जिन्हें बाद में ऐड किया गया है। ठीक, और इन जोन्स को भी डिवीजन में डिवाइड किया गया, तो टोटल जोन्स जो टोटल डिवीजन जो है वो 73 डिवीजन है और हर जोन का एक मुख्यालय होता है। हर जोन का एक मुख्यालय चुना जाता है कि इस जोन का मुख्यालय कहाँ होगा। जैसे कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट रेलवे की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की बात करें, उत्तर पूर्वी रेलवे, तो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? गोरखपुर। इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। ओके, तो जोन्स इंडियन रेलवे को 16 जोन्स में बांटा गया और इस जोन्स को 73 डिविजन्स में बांटा गया है। हर जोन का एक मुख्यालय होता है और 16 जोन्स में 9 जोन पुराने जोन है और 7 जोन नए जोन है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।